अभी जो हम आपको रिव्यू दे रहे हैं ये निवान इन्फोटेक है, ठीक है ना। इस तरह का कीबोर्ड वगैरह का क्या था? कीबोर्ड लॉजिटेक का था सर। लॉजिटेक का? यस यस। मतलब सभी लोग का लॉजिटेक था या और कोई? मेरे पास तो लॉजिटेक का ही था। कौन सा कीबोर्ड था? लॉजिटेक का सर। लॉजिटेक, हाँ। कैसा गया एग्जाम? बेस्ट कीबोर्ड था सर। अच्छा, बहुत दिक्कत तो नहीं? बहुत आसान, कोई तरह की दिक्कत नहीं है सर। बहुत आसान था। ओलंपिक के बारे में आया था पैराग्राफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में? नहीं, हिंदी में ओलंपिक के बारे में था, इंग्लिश में, और इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा है सर। अच्छा, इंग्लिश में मैटर याद नहीं। वर्ड कैसा गया? मतलब बड़ा बड़ा था या फिर वैसे? बहुत ईजी था सर। और कीबोर्ड वगैरह में किन्हीं का कंप्यूटर में दिक्कत थी सर? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आया सर। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका कैसा था? एकदम गया अच्छा एग्जाम सर। जो आप क्वेश्चन बताए थे, जो भी यूट्यूब से यूम पढ़ रहे थे आपके प्रयोग से सबने, हमें तो मैंने देखे सब कुछ सही था। मेल मेट से सर क्वेश्चन था, और ये आप पावर पॉइंट में जा जाइए शॉर्टर से, उसमें क्वेश्चन था, और वर्ड से क्वेश्चन था, और बाकी बेसिक था कुछ। जितना वीडियो अगर कोई सही से पढ़ेगा सर तो उसको सब बना देगा, सीबीटी पास है सर। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी सही है। नहीं, उतना क्लास किए नहीं थे। अच्छा, मतलब किए लेकिन फिर भी बना ना। क्वेश्चन तो मेरा लगभग 55 सही होगा, 55-60 क्वेश्चन जो बताया सर क्वेश्चन सब वही है, मगर क्या है कि पूछने का जो तरीका है ना, वो लड़का को अगर समझ में आ जाएगा तो वो हैंडल कर देगा। एग्जाम है तो ये तो अब मेन सर, अगर किसी को पास करना है तो कुछ नहीं, वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल उसको बढ़िया से, जो भी आप शॉर्टकट की है उसको सब शॉर्टकट की नहीं, जितना भी है सब वो देख लें। चार टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 8-10 क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें भी था। फुल फॉर्म शॉर्टकट की वगैरह? फुल फॉर्म आईपी का था, शॉर्टकट था आईपी का, इंटरनेट, हाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल का, और एक और था फुल फॉर्म। फुल नहीं था वो था कौन बेटर है IP6 और 4 में कौन बेटर है, इसके बारे में पूछा हुआ था। आईपी का है। अच्छा, होगा डिफरेंस होगा, चेंज, हाँ वही हुआ। सर कैसा सही गया? और कोई क्वेश्चन याद है क्या? एक लॉजिकल जो है ना फार्मूला, उससे दो क्वेश्चन था, एक्स और और शॉर्टकट की 4-5 को था। शॉर्टकट एगो न्यू ओपन एन कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल एम का था, ये बनाने के लिए न्यू स्लाइड लेने के लिए था, और ये पूछा था कि शॉर्टकट वाला भी था सर। शॉर्टकट वाला भी पावर पॉइंट से था। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबसे हार्ड क्वेश्चन था मेल मर्ज से। मेल मर्ज तो ऑब्वियसली भी जितना भी है उसमें नहीं, बहुत घुमा के सर पूछा हुआ था उसमें। हार्ड नहीं, देखिए क्वेश्चन जो पढ़ा है वही था, मगर लड़का को समझ में आ जाएगा पूछने का लैंग्वेज उसका तरीका जो है ना अलग ढंग से था सर, जो समझ में नहीं आ रहा था, जो समझ जाएगा क्वेश्चन बना देगा। मेल मर्ज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सही क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सब, और ये सही क्वेश्चन था सर। IP IP4 IP6 के तुलना, अच्छा दोनों में बेहतर कौन? IP6 अभी दिए वो दिए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपका बढ़िया गया? हाँ बहुत अच्छा गया है। क्या स्ट्रोक मारे? क्या स्ट्रोक इंग्लिश में मारे हैं 1559। हाँ सर, मेरा भी 1559 है, 7.9 मिनट में, और हिंदी में है 1260, 7.1 या 2 ऐसे। अच्छा, कीबोर्ड वगैरह के किन्हीं को कोई इशू नहीं? कीबोर्ड बहुत बेस्ट कीबोर्ड था सर। ऐसे तो आपने बताया था इंटेक्स का आपने इंटरव्यू, हाँ जब पहला दिन आए थे ना तो उस दिन बहुत मतलब दो ही मिले थे हमको। इंग्लिश में सर देखिए सर 1559 हुआ 7.6 मिनट में, हिंदी में 1250 है 7.7। बहुत ईजी था, बट हमें घबरा गया इसलिए दिक्कत हो गया। मेरा भी जीरो, एकदम जीरो। इंग्लिश में हम किए हैं 7:20 में, 7:20 में, 6 मिनट में मार दे, लेकिन इतना ना हड़बड़ा गया, मेरा हाथ काम करना बंद कर दे इसलिए 8 मिनट लग गया। मतलब हड़बड़ा पे 45 कुछ नहीं, ऐसे ही एग्जाम का प्रेशर आ गया, पता ना कैसे हो गया। कल एक स्टूडेंट आए थे तो उनका सुबह में हम अपलोड किए, वो भी हड़बड़ाहट के कारण थोड़ा सा, हाँ मेरा 6 मिनट में हो जाता लेकिन पता ना हड़बड़ाहट हो गया। उंगली जो है ना थोड़ा सा बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है घर पर जो करते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो सबसे कम दाम का कीबोर्ड है वो खरीद के करें। अगर आप महंगा कीबोर्ड पर करते हैं तो यहाँ का फेल हो सकते हैं, काहे कि कम दाम का ही कीबोर्ड सही है, काहे कि इंस्टीट्यूट में, हाँ जैसे आप बताए थे लॉजिटेक बताए थे, इंटेक्स बताए थे, इंटेल बताए, इस टाइप का कीबोर्ड सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा घबराहट में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि उंगली थरथराने लगता है। तो मतलब ऑल ओवर यही है कि कीबोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका भी गया है एग्ज़ाम? कैसा गया? आप दिए सर एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया, दे दिए, बहुत अच्छा गया सर, दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं सर। आपका क्लास करके सर आज 60 में 51 बनाए हैं सर। बढ़िया
बढ़िया बात, अच्छा लगा हमको भी, अच्छा लगता है। आपका एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल का जो लास्ट 10 वीडियोस है सर, उससे बहुत हेल्प हुआ है सर। मेरे 4-5 भाई है सर, सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया सर। बहुत बहुत थैंकफुल है सर आपके, बहुत थैंकफुल है। मेरा भाई भी दिया है एग्जाम, मेरा भाई भी दिया एग्जाम सर, रात भर में पढ़ के एग्जाम दिया। इसका भी एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया सर, बहुत अच्छा एग्जाम। स्माइल है, अच्छा बात लगा जी सर, बहुत अच्छा गया। टाइपिंग कैसा गया? टाइपिंग भी बहुत अच्छा गया है सर, लगभग 1550 की स्ट्रोक इंग्लिश में गया और वही 1100-1200 हो गया हिंदी में सर। मतलब घबराहट नहीं ना किसी तरह का कोई दिक्कत? थोड़ा सा टाइपिंग देने टाइम, हल्का सा टाइपिंग देने टाइम लगता है, 4 से 5 की मतलब स्पीड घटता है, अगर 45 है तो 40 हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम का थोड़ा प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा सा फियर तो होता है सर, थोड़ा आवाज़ की नॉइस। इसका बेस्ट यही रहेगा कि ग्रुप में मारना जाए। हाँ ग्रुप में जाना मारना अच्छा रहेगा, जो जो साथ में मारते होंगे ना कहीं टाइपिंग क्लास में, उनके लिए बहुत बेटर होगा सर, बहुत बेटर होगा। लेकिन सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आपका क्लास बहुत अच्छा लगा सुन के, और ऐसे सुनने पर अच्छा लगता है मतलब। और जी सर, जी सर हम आपको देखे सर, हम भाग के आए सर, जा रहे थे वापस, हम के सर आए हुए, हम सर से पहले जाके मिलेंगे सर। थैंक यू सर। हाँ चलिए चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, ठीक है, अच्छा गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी दिए हैं, दिए कि दीजिएगा? अभी दे दिए हैं। कैसा गया? टेंशन नहीं है ना? ना टेंशन क्या है, आपका वीडियो देखे थे रात को, मेल मर्ज वाला कॉल ही देखे थे, दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन खाली मेले मर्ज का था। उसके बाद 1.5 घंटा का आपका पावर पॉइंट का क्लास था, वो भी किए थे, लगभग 7-8 क्वेश्चन खाली पावर पॉइंट से, तो मैच कर गया पूरा पूरा मैच कर गया आपका एकदम। हाँ पूरा ना, आपका 1 महीना का पहले का सब वीडियो था तो सब हम देखे हुए थे और लगभग ठीक है। बहुत बढ़िया। टाइपिंग में कोई दिक्कत? कीबोर्ड वगैरह का कोई नहीं, थोड़ा सा स्लो कीबोर्ड काम कर रहा है। अच्छा, आप तेज मारिएगा वो स्लो इंटर करेगा। और हाँ एक जीएमडी में भी हो रहा था कि जैसे लोग लोग कीबोर्ड है लॉगीटेक और तेज मारिएगा तो कीबोर्ड स्लो काम कर रहा है। नहीं जानते वो कीबोर्ड नहीं, वो सर्वर का प्रॉब्लम है। जीएमडी में भी हम गए तो वहाँ पर क्या है कि जैसे कोई वर्ड लिख लिया ना उसके बाद फिर पीछे पीछे बढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और तब तक पीछे ले रहा है, तब तक फिर सुधारना पड़ रहा है चीज को, थोड़ा सा यही दिक्कत हुआ। चलिए मतलब ये इसको मैनेज किया जा सकता है, किया जा सकता है। हाँ। ये उतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है कि बटन फंस रहा है, कम काम कर रहा है या कोई बटन नहीं काम कर रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथली कीबोर्ड है, अच्छा कीबोर्ड है। चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए अच्छा गया तो कोई अच्छा लगा हमको भी, ठीक है ना। अभी जो हम आपको रिव्यू दे रहे हैं ये निवान इन्फोटेक है, ठीक है ना। इससे पहले भी 14 तारीख को जब फर्स्ट सीटिंग हुआ था तो उस दिन भी हम यहाँ का रिव्यू दिए थे, लेकिन उस दिन बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं हो पाया था कि कम बच्चा थे। आज आपको जो भी कुछ आपको सुनने को मिला या फिर देख रहे हैं या फिर हमारा ये वीडियो में, ये बहुत बेहतरीन यहाँ का रिव्यू रहा है। कीबोर्ड भी अच्छा है, सब लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए, जो भी स्टूडेंट हमसे मिले 80% मतलब जितने भी लोग मिलते हैं उसमें 4-5 ऐसे मिल ही जाते हैं अपने क्लास के स्टूडेंट, तो उनका अच्छा ही गया है। टाइपिंग बढ़िया गया है, CBT भी बढ़िया किए हैं, ठीक है। और बाकी आगे देखिए कि क्या कैसे रिजल्ट बनाता है वो, अब कुछ दिन के अंतर्गत जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा अगले 10 दिन के बाद उसका आंसर की और रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। और ये जो एड्रेस है ये सब लोग जानते होंगे, सामने में कॉलेज है, ठीक है ना, तो ये कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, इसी के जस्ट सामने है। तो एड्रेस तो आप लोग के एडमिट कार्ड पर होगा ही, ठीक है। निवान इन्फोटेक है, सेंट जेवियर कॉलेज जो है उसी के जस्ट सामने है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में किसी जगह का देखेंगे कोशिश करके, लेकिन ऐसा है कि अब किसी सेंटर पे थोड़ा कम चांस है जाने का, अगर आप पॉसिबल होगा तो कोचिंग से ही कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। अभी जो हम आपको रिव्यू दे रहे हैं ये निवान इन्फोटेक है, ठीक है ना।